ये जी 10,000, 10,000 रियाल का माशाल्लाह ये वाला, और वो वहाँ पे है वो 5,000 रियाल का। सऊदियों की पसंदीदा चीज़ है। किसने के हजरत सल्लम सब को भी ये दुहाना, जो छोटे ये तली ये दुम्बा, जिसको ये इनका गोश्त बड़ा पसंद था। मैं सभी मशागिल हूँ। ये जी मुर्गे माशाल्लाह बहुत बड़ा देसी मुर्गा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको हम जिदा कराएंगे इंशाल्लाह। तो एक छोटा तोता माशाल्लाह, ये इससे मजीद छोटे ये मुख्तलिफ रंग बिरंगे तोते भी मिलते हैं माशाल्लाह, जुड़ी जुड़ी। चलो यहाँ पे ये देखें फार्मी मुर्गी मिल रही है, ये 15 रियाल। ये जी माशाल्लाह छोटे छोटे चूजे हैं मुर्गी के, ये 3 रियाल के दे रहे हैं मेरे ख्याल में। एक ये बदख के माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए विला के साथ मैं मुमताज़ मंदरानी, मैं तैफ में हूँ। आज हम तैफ में बकर मंडी का जो हम आपको विज़िट कराएंगे अपने व्यूवर्स को, और साथ में यहाँ पे मुर्गी जो तैफ में आजकल सऊदी अरब में ये पहले था कानून, दुकानें थी मुर्गियों की फ्रेश, वहाँ से वो मुर्गी ले कर आ सकते थे। अब वो गवर्नमेंट ने ममनू कर दिया चंद साल से। तब सिर्फ तैफ में जो मैंने देखी है वो एक ही जगह है जो फ्रेश मुर्गी यानी फार्मी, और उसके अलावा देसी मुर्गी भी मिलती है। इसके अलावा दूसरे परिंदे मसलन बटेर लेने हैं, बदख लेनी है, कोई और चीज़ लेने हैं। हत्ता कि मैंने एक बार ये भी देखा कि सांप भी वहाँ मिलते हैं। तो हम आज आपको वहाँ का विज़िट कराते हैं, बकर मंडी का थोड़ा सा मुख्तसर से दिखा के फिर मेन चीज़ है मुर्गी भी लेंगे, वहाँ का भी हम विज़िट कराएंगे। हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह, वीडियो बड़ी दिलचस्प होगी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ सिटी है, शहर से बाहर है बहुत काफ़ी, तरीक जनूब की तरफ। अब तैफ सनाया, सनाया से होकर तरीक जनूब की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ से इशारा वापस यू टर्न करके अब हम बकर मंडी जा रहे हैं। आप देखें बाहर से भी लोग ये खड़े हुए हैं, बकरियाँ गनम ये दुम्बे वगैरह हर चीज़ हर किस्म के जो है ना जानवर बेचने के लिए यहाँ भी खड़े हैं। अब हम थोड़े से रुकेंगे भी तो सारे मुतवज्जो होंगे और बुलाएंगे कि बकरी तो हमने ख़रीदनी नहीं है, हम तो आज मुर्गी ख़रीदने आए हैं। जब कभी बकरी ख़रीदेंगे तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे मनाजिर। तो आज हमने कहा अपने व्यूअर्स को यहाँ का भी विज़िट कराएँ। अगर तैह में आप लोग रहते हैं तो आपने ताज़ा फ्रेश मुर्गी लेनी है, देसी लेनी है या फार्मी लेनी है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, जो कि मैं जगह जानता हूँ। तो यहाँ से अच्छा, अब ये बकर मंडी जो है ना, बकरियों की मंडी शुरू हो चुकी है। हम बाहर बाहर से थोड़ा सा विज़िट करा देंगे आप लोगों को, ये देखें यहाँ पे किस तरह किस सिस्टम से अलग अलग हर एक की अपनी अपनी उन्होंने दुकान बनाई हुई होती है। ये देखें हर किस्म की छोटी बड़ी बकरी, हर किस्म की सवाकनी होती है। ये दुम्बे हैं मसलन, ये देखें दुम्बे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक ये छोटी जो है ना इसको तल्ली बोलते हैं। अच्छा, और ये सऊदियों की पसंदीदा ये गिज़ा है, यानी मैंने ये भी सुना है कि हजरत सल्लम सब को भी ये दुहाना जो छोटे ये तल्ली ये दुम्बा, जिसको ये इनका गोश्त बड़ा पसंद था। ये देखें ये हर एक पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म की भारत, ये सारी इस तरफ भी जाएँ, हर एक अलग अलग कैबिन बने हुए हैं उन्होंने मेरे ख्याल में लिए हुए हैं बल्दिया की जानब से किराए पे। तो देखें ये सारी बकर मंडी है यहाँ पे, मेरे राइट लेफ्ट हर तरफ से हर किस्म की अपनी आप पसंद करके ले सकते हैं बकरी। से भी देखें अच्छा, ये नंबर भी लगे हुए हैं दुकानें का, ये 23 है मसलन, ये 25। अच्छा, ये इस पे नंबरिंग भी है। अब जो जो उन्होंने लिए होंगे बल्दिया से, ये जो इनके ज़िम्मेदार होंगे उनसे किराए पे, तो अपनी बकरियां यहाँ खड़ी करके बेचने के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ से ख़रीद कर फिर जो ज़िबा कराते हैं तो यहाँ पे वो ज़िबा खाना भी है, वहाँ पर मेरे ख्याल में 50 रियाल शायद लेते हैं। पहले अब का पता नहीं है, पहले काफ़ी अर्सा हमने ली थी तो वो 50 रियाल उन्होंने लिए थे ज़िबा करने के। ये है ज़िबा खाना, इसके फ्रंट साइड पे, हम बैक साइड पे हैं, इसकी जो है ना फ्रंट साइड पे जाके अंदर पर्ची लेनी पड़ती है।
फिर वहां से देखिए यहाँ से कचरा वगैरह ये सारी चीजें। अच्छा, जब ये खत्म हो गया घास और ये चीजें, अब हम आ गए आगे सामने देखें। अच्छा, देसी अंडे भी यहाँ पे मिलते हैं, ये हर किस्म की मुर्गी, ये देसी फार्मी। अच्छा, बटेरे, तीतर, कबूतर, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। هذا ما شاء الله هذا بلدي ها اوه بس لا رخيص ايش اسمه هذا ويز ويز انا كلام بدخ لا بدخ هنا يه باكستاني بدخ عربي ايش كلام ويز 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 هذا ما شاء الله تبارك الله طيب هذا حمام اسمه هذا حمام ها هذا حمام انواع شيرازي فرنسي شيرازي فرنسي هو اسم حمام يعني हाँ हाँ कबूतर है अभी वो बैठे हैं अली आगे से बना के बना के हर किस्म के जानवर यहाँ मिलते हैं माशाल्लाह देसी ये गिनी फोर एशियस अरबी हबशी दज्जाज हबशी अच्छा ये अरबी में इसको दज्जाज हबशी बोलते हैं यहाँ हम गिनी फोर बोलते हैं इसको अच्छा खरगोश भी बैठे हैं पीछे ये देखें खरगोश भी बैठे हैं भाई हाँ ये खरगोश भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह अच्छा ये कबूतर है मुख्तलिफ इकसाम उनकी है अच्छा हाँ तो कम हब्बा कम बिल है खमसिन रियाल हब्बा डबल है ये दो पीस जो है ना 50 रियाल के माशाल्लाह देते हैं कबूतर ये इधर इमसे इमसक मसवी मशाग लो ये जी मुर्गे माशाल्लाह बहुत बड़ा हाँ तो फ्रेंसी होलैंडी कम हाँ ये 100 रियाल का माशाल्लाह हाँ तो वाला हाँ तो खलास ये भी हमने लिया एक देसी मुर्गा माशाल्लाह माशाल्लाह तो इसको हम ज़िबा कराएंगे इंशाल्लाह फिर जाके ज़िबा खाना में इसको ज़िबा कराएंगे और फार्मिंग भी लेंगे ये जी यहाँ पे माशाल्लाह दुकान है ये अब ये बिल्ली की क्या खुराक होती है परिंदों की तोतों की तोते की दूसरे जो जानवर हैं उनकी इस हाँ। माशाल्लाह जी यहाँ पे ये देखें तोते छोटा तोता माशाल्लाह ये इससे मजीद छोटे ये मुख्तलिफ रंग बिरंगे तोते भी मिलते हैं माशाल्लाह जुड़ी जुड़ी और ये देखें ये भी माशाल्लाह हर किस्म के तोते यहाँ पे मिलते हैं पूछते हैं फिर भाई से क्या रेट है अच्छा ये शायद बोलने वाला ये काट भी काट तो भी बड़े तेज हैं माशाल्लाह तोते हर किस्म के यहाँ पे मिलते हैं जैसे छोटे छोटे परिंदे ये देखें ये जोड़ियाँ सफ़ेद और येलो अच्छा ये जोड़ी और कलर की है ये है वो देखें इसके अंदर भी मछली है ये छोटे छोटे जो है ना मछली के वो ये छोटी छोटी मछली देखो ये भाग रही है ये भी मिलते हैं लोग ले जाते हैं फिर घर में पालते हैं मुख्तलिफ किस इकसाम की मुख्तलिफ रंग की ये देखें माशाल्लाह बड़े अजीब वगरीब मखलूक यहाँ देखने को मिलती है ये देख ये भी मछली है और किस्म की देख जो मुर्गी दिखाई थी हब्सी वो गिनी फोर अच्छा उसके भी अंडे हैं माशाल्लाह ये मुर्गी देसी के भी हैं तो कम मतलब तकरीबन हाँ बलद हाँ हब्सी है बलद खमस्ता है ना जदीद है हाँ माफी खरबा यानी कोई ऐसा है माशाल्लाह 15 हाँ अरे माशाल्लाह तबारक अल्लाह अच्छा ये मुर्गी के जो है ना वो 15 रियाल का दे रहे हैं और ये हब्शी के जो है ना वो दे रहे हैं मेरे ख्याल में 20 का हब्शी इसको बोलते हैं गिनी फोर मैंने पहले दिखा चुका हूँ शिकार करने वाला ये देखिए बास काट नहीं देगा थोड़ा वो करूँ देगा तो काट अच्छा ये घर में मोड़ लेता है पूरी अपनी है घर में पूरी मोड़ लेते हैं माशाल्लाह देखिए जी कुदरत का निज़ाम माशाल्लाह कुदरत की वो कि ये रूम इसका बोल रहे हैं ये वाला है ये वाला हब्शी है हाँ ये वाला ये कहते हैं ये हब्शी वो गिनी फोर का ये गिनी फोर के अंडे ये 50 रियाल का एक तबक देते हैं और ये उसके हैं ये जो जानवर है इसके अंडे के हाँ दा लोफी मतलब तबक कम लीजिए तकरीबन देखिए जा माफी माफी हाँ सही है हाँ 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 बदख बदख हाँ هذا بط في بط بط موجود ايش تسوي فينا خليها هو ما سوي ما في ايه بي 10000 ريال هذا ليش عشان هو عارف شيء كله ولا كيف هذا قاسي هذا خاص يعني هذا يعني غالي 20000 غالي ما شاء الله هذا 5000 هذا ايش فرق يعني فرق
हाँ हाँ ये जी 10,000 रियाल का माशाल्लाह ये वाला, और वो वहाँ पे है वो 5,000 रियाल का माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त माशाल्लाह वो। अरे भाई तेरे में ना कॉफ़ बोल, ये भी मैं पहले दफा पकड़ रहा हूँ। ओ बस स्टार है मुझे। करी बेरी करी बेरी। सामर हाँ। बिस साम माशाल्लाह। طيب في اقرب انت اشتري اقرب اسود ها ما شاء الله هذا بيض اچھا اس کے انڈے بھی اس کے اندر پڑے ہیں ابھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ انڈے ہیں اس کے یہ سانپ کے آج زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ سانپ پکڑا ہے اچھا تو یہ سانپ بھی لیتے ہیں پھر بیچتے بھی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بلی ہیں اس کے بچے بھی ہیں یہ 150 سے میرے خیال میں بیچ رہا ہے ایک بلی میاں خمسین کے یہ مختلف قسم کے بچے یہ بھی ہے نیچے بھی ہے ماشاء اللہ یہ بلیاں بھی ماشاء یہ جی ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں مرغی کے یہ 3 ریال کے دے رہے ہیں میرے خیال میں ایک پیس یہ بدخ کے ہیں ماشاء اللہ انڈے میرے خیال میں جو رکھتے ہیں نا پھر اس کے یہ دیکھو نا حرارہ دیا ہوا ہے گرمی اس میں پھر وہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ بدخ پھر یہ بڑے ہو جائیں گے بچیں گے چھوٹے یہ 3 ریال بدخ کے بھی میرے خیال میں اور چوزے بھی 3 ریال کا یہ بیچ رہے ہیں ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مسلخ سوق الطیور یہاں پہ جو بھی پرندے ہیں جو لیتے ہیں آدمی مرغی بھی لیتا ہے دیسی فارمی کوئی بھی تو یہاں سے ذبح کراتا ہے یہ یعنی یہاں سے ذبح باہر آپ ذبح نہیں کرا سکتے یہاں سے ذبح کرا بنوا صاف کرا کے لے جا سکتے چلتے ہیں اندر دکھ یہ جی ماشاء اللہ یہاں پہ یہ دیکھیں فارمی مرغی مل رہی ہے یہ 15 ریال صحیح چھوٹا ہے تقریباً 1 کلو ہاں یہ بول یہ وزن صحیح ہے تقریباً کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے میرے خیال میں اور یہ 15 ریال کی بنا کے دیں گے ماشاء اللہ یہ فارمی مرغی دیسی ہم نے وہاں سے لی وہ بھی بھائی سے بنا کے دیتے ہیں وہ تقریباً اس کا 5 ریال لیتے ہیں 5 ریال میں بنا کے دیتے ہیں ماشاء اللہ یہ ہو گیا جی فریش یہ جی 3 ہمیں بنا کے دے دیں جی الحمد للہ ہم نے مرغیاں بنوا لیں یہ فارمی اور یہ دیسی بھی بنائی ہے تیار ہو گئی یہاں سے امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو آج کا یہاں کا ولاگ پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کیجیے گا فی الحال دیجیے اپنے میزبان ممتاز محمد رانی کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ